अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर हमारा आई थिंक 5 है। मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ कंट्रोल एन से, और यहाँ पे अभी आपके सामने तीन नंबर आप आर्टबोर्ड्स आ रहे हैं, तो आप इसको वन कर दें क्योंकि हमने सिर्फ जस्ट एक वन आर्टबोर्ड पे वर्क करना है। ठीक है, ये आपके सामने आर्टबोर्ड अपीयर हो गया है। अब इसके बाद हमारा जो मेन जो आज टॉपिक है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अबाउट है। तो ये सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे बनाते हैं, लाइक मैंने ये एक रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, मैं इसको मूव करना है, जब मैं यहाँ से इसको मैं यहाँ इस पोजिशन से इस पोजिशन में मूव करना चाहता हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ मूव करूँगा। लेकिन मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करूंगा, और जबकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी इसको मूव कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में ये चीज है कि आप इसके एंकर पॉइंट के ऊपर जब क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपने अपने ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन शेप में कुछ चेंजिंग लानी है, लाइक मैं कहता हूँ ये मुझे लाइन इस तरह नहीं चाहिए, मुझे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको मैं आगे मूव करूंगा। ये देखिए आपका एंकर पॉइंट आगे मूव हो रहा है, ठीक है, और स्मार्ट गाइड से आपको इस स्ट्रेट लाइन की वो साथ वो पिंक कलर में ये चीज शो भी कर रहा है कि ये अभी स्ट्रेट लाइन है। ये देखें, अभी ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, अभी ये स्ट्रेट लाइन में आ गए, ठीक है, ये चीज। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ये होता है कि आप एंकर पॉइंट को सिलेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाता है उसको आप उसकी पोजीशन से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे अब ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, कि आपको रिक्वायरमेंट के आप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीजें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये अभी एक ऑब्जेक्ट बना रखे, उसके कलर कर दिए ये, ठीक है। इसी तरह मैं कोई और शेप ले लेता हूँ, यहाँ से एलिप्स टूल ले लेता हूँ, ये मैंने एक एलिप्स टूल ले लिया, और अभी इसके भी चार एंकर पॉइंट है, 1 2 3 4। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करें, उस पर क्लिक करें, ठीक है। ये देखें, जब डायरेक्ट सिलेक्शन से एंकर पॉइंट पे आप क्लिक करते हैं तो इसके हैंडल्स बने हुए आ गए। हैंडल्स को आप मूव करके कोई भी पोजीशन शेप आप बनाना चाहते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है, ये देखें। कोई भी मतलब आपने कोई शेप बनानी है इसका बना सकते हैं, ये मैंगो टाइप सा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली जो आपके पास यहाँ पे शेप्स दी जाती हैं, जैसे स्टार टूल है, पॉलीगॉन टूल है, रेक्टेंगल टूल है, इनकी मदद से आप ये एंकर पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से इसको यहाँ पे मजीद इस तरह ले आता हूँ, ठीक है, तो ये आपकी अब शेप चेंज हो गई है। अच्छा, इसी तरह जो आपका पाथ दिया जाता है, पाथ जो होता है, देखिए मैं आपको दोबारा से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्लिक करके, आपके एक एंकर पॉइंट ये है, एक एंकर पॉइंट ये, एक एंकर पॉइंट ये और एक एंकर पॉइंट ये, ठीक है, ये इसका सारा पाथ बन है, ये लाइन सी जो है इसका पाथ है। मैंने आपको कल भी बताया था कि पेन टूल वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से अगर आप कोई एंकर पॉइंट ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, मैं ऐड एंकर पॉइंट करना चाहता हूँ, इस पाथ के ऊपर ला के मैंने क्लिक किया, एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया, इस पाथ के ऊपर ला के मैंने क्लिक किया तो एक और एंकर पॉइंट ऐड हो गया, इधर एक और ऐड हो गया, इस तरह एक और ऐड हो गया, तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंकर पॉइंट ऐड है। अब अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन एंकर पॉइंट से आप कोई पोजीशन चेंज करना चाहते हैं ऐसे, ठीक है, तो आप उस हिसाब से वो चीज़ बना सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा टूल है, इतना मुश्किल नहीं है डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन की बस ये डेफिनेशन याद रखें कि जब भी आपने कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन उसकी शेप में कुछ चेंज करना है, ठीक है, थ्रू एंकर पॉइंट, तो आप इजीली यहां से चेंज कर सकते हैं। अब सिलेक्शन टूल से जब आप क्लिक करते हैं, देखिए मैंने अब सिलेक्शन टूल को मैंने क्लिक किया, तो सिलेक्शन टूल ने सारे इसके एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक करते हैं तो आप अभी देखें सारे एंकर पॉइंट हाईलाइट हुए हैं, इट्स मीन के सारे सिलेक्ट है, लेकिन जब आप किसी एंकर पॉइंट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपका वो एंकर पॉइंट अभी सिलेक्टेड है, बाकी एंकर पॉइंट अनसेलेक्टेड है, ठीक है। तो बस सिंपल सा इसका मैंने यही आपको डेफिनेशन बतानी थी, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको मजीद देखेंगे, ठीक है।
है।